आखिर अयोध्या की तर्ज पर मेरठ में भी हसनापुर में महाभारत का आयोजन जमीनी स्तर पर किया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लगभग 4 महीने से मंथन के बाद कलाकारों को ढूंढ लिया गया जो विभिन्न पात्रों में अपने अभिनय के दम पर एक नया इतिहास रचेंगे, क्योंकि आज से पहले किसी भी जगह इस तरह से मंचन नहीं हुआ। लेकिन हस्तिनापुर की महाभारत, जहां पर महाभारत हुई थी वहीं पर ही इसका मंचन किया जाएगा, जो अपने आप में इतिहास। हम विभिन्न कलाकारों से ही बात करना चाहेंगे कि उन्हें इस इतिहास में भी एक इतिहास बनने का मौका मिला है, तो वो क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम स्नेहा भारद्वाज है। स्नेहा जी, आपको गंगा जी का पात्र मिला है। गंगा एक ऐसा है कि गंगा जी की पवित्रता और उसकी पूरा विश्व मानता है, तो इस पात्र को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं इसका हिस्सा बन सकूं, और ये मुखिया अंकल जी ने मुझे ये मौका दिया है कि ये प्ले मैं अच्छे से निभा सकूं। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक गंगा माता का रोल करना, तो मैं इसे चुनौती समझती हूँ। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो हम करने जा रहे हैं। पूरे विश्व में कभी महाभारत हुई नहीं है, एज अ प्ले कभी नहीं हुई स्टेज पे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं गंगा माता का प्ले करने जा रही हूँ। तो गंगा जी को लेकर देखा जाता है कि अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं है, देखा जाता है कि गंदगी भी फैलाते हैं, एक आप बतौर गंगा क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, ये बात तो मेरे बहुत पहले से मन में आती है जब भी मैं जाती हूँ, कि गंगा माता की हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम माता मानते हैं, गंगा माता मानते हुए उसमें आप सारी गंदगी उसमें फेंकते हैं, पूरा जितना मैंने देखा है कि जो पूजा करते हैं वो चीज़ें भी उसके अंदर हम विसर्जित करते हैं जो गलत है, क्योंकि गंगा मैया को साफ करना हमारा फर्ज है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी अगर आप उनके अंदर हम बोलते हैं कि सिलाते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए अलग जगह होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि हम खुद ही अपनी माता को गंदा करते जा रहे हैं, तो ये बहुत गलत है, हमें उन्हें साफ करना चाहिए और ये हमारा फर्ज है। मैं अन्य कलाकारों से भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि यह रामायण और महाभारत में एक अनोखा संगम यह भी है कि युवा कलाकारों के साथ साथ अपने जिन्होंने अपनी भूमिका का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाया, उनका भी तालमेल। आपका नाम? मेरा नाम अवनी वर्मा है। आपको क्या किरदार मिला? जी मैं इसमें कुंती का रोल करती हूँ। कुंती का अभिनय बहुत ही ज़्यादा इसमें देखा गया, तो आपको किस तरीके से इसे चुनौती मानते हैं? मेरे लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है, और ये भारतवर्ष में पहली बार होने जा रही है महाभारत, और वो भी हमारे हस्तिनापुर में, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सभी के लिए, सभी कलाकारों के लिए। हम मेरठ के सभी कलाकारों को इतना अच्छा मौका मेरठ में ही काम करने का मिल रहा है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और इसके लिए तहे दिल से मैं गुर्जर जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो पूरे भारतवर्ष में पहली बार, वो भी हस्तिनापुर की धरती पर, ये महाभारत का आयोजन करने जा रहे हैं। इसी तरीके से हम अन्य कलाकारों से भी पूछना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम झलक कपूर है। क्या किरदार मिला है आपको? मुझे माता देवकी का पात्र मिला है निभाने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक ऐतिहासिक महाभारत का मंचन होने जा रहा है जो हस्तिनापुर में होने जा रहा है, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे इसका हिस्सा बनने को मिला है। इस चुनौती को किस तरीके से देखते हैं? मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, माता देवकी जिन्होंने इतने कष्ट सहे, अपने पुत्रों का एक तरीके से बलिदान उन्होंने किया, तो वो निभाना एक बहुत बड़ा चुनौती ही है मेरे लिए। इसी तरीके से हम अन्य कलाकारों से भी पूछना चाहेंगे। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम स्वीटी गुप्ता है और मैं नोएडा से हूँ। इसमें मैं अभी अम्बा का किरदार निभाने जा रही हूँ। देखो, जैसे कि नोएडा, अन्य जनपदों में भी इसके लिए अभिनय किया गया था, दिल्ली, NCR, अलग अलग कलाकार इसमें भाग निभाएंगे। आप किस तरीके से चुनौती मांगती, क्योंकि आप एक इतिहास बनने जा रहे हैं? बहुत ही अच्छी बात है कि पहली बार महाभारत का मंचन हो रहा है, ऐसा कभी पहले कभी हुआ नहीं है, और वो भी हस्तिनापुर की धरती पर ही हो रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अम्बा का जो कैरेक्टर है काफ़ी स्ट्रांग कैरेक्टर है, और आई थिंक स्टार्टिंग ही उससे होती है जब वो भीष्म को श्राप देती है और फिर उसका पूर्ण जन्म होता है, वो काशी नरेश की कन्या थी, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये सब। और अभी हम लोग सब महाभारत देख के ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोग उस किरदार को और अच्छे से निभा पाए। थैंक यू। इसी तरीके से एक अन्य कलाकार है, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सोनम श्रीवास्तव है, मैं गाजियाबाद से हूँ। सोनम जी, आपको किस तरह का किरदार मिला है? महाभारत में मुझे गुर्जर जी की कृपा से इसमें उर्वशी का और राधा का करेक्टर मिला है, और ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने रामायण देखी है, जो कि स्टेज पे करने आज के लिए हर गली मोहल्ले में लोग रामायण करते हैं, कृष्णलीला करते हैं, बट महाभारत का चैलेंज कोई नहीं लेता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि फर्स्ट टाइम हम लोग स्टेज पे इसको करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम सुप्रिया है। आप बतौर युवा कलाकार आप महाभारत को किस तरीके से देखते हैं? महाभारत ये मंचन
इतिहास में पहली बार मतलब हो रहा है यहाँ पे, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इसका हिस्सा बनने जा रही हूँ और रानी अंबिका का रोल निभाने जा रही हूँ। बतौर युवाओं को देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं, अलग अलग तरह के रोल देखते हैं, और आप महाभारत में अभिनय करने का फैसला लिया, ये किस लिए लिया? देखो बतौर युवा तो आजकल सीरियल्स और ये जो आजकल वेब सीरीज वगैरह चल रही है उसमें देखने में ज़्यादा बिजी रहते हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मैं महाभारत में जा रही हूँ हिस्सा बनने, और सबको इससे पता भी चलेगा कि महाभारत एक्चुअली थी क्या। और इसी तरीके से एक अन्य महिला कलाकार भी हम उनसे पूछना चाहेंगे वो क्या पात्र है और वो किस तरीके से महाभारत। आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम जूही त्यागी है, और हस्तिनापुर की ऐतिहासिक महाभारत मैं तो कहना चाहूँगी कि इतिहास के पन्नों पर एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, और बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि उसका एक हिस्सा मैं भी बनने जा रही हूँ। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही बड़ा किरदार मुझे मिला है गांधारी का। तो हम थिएटर से हैं, और हम जब थिएटर में हमें कोई रोल मिलता है तो हम उसे आत्मसार करना शुरू कर देते हैं, तो आज से ही घर जाकर पट्टी बांध लूंगी, वो पूरा उसको आत्मसार करना है। अधिकतर ज्यादातर काम कोशिश करूंगी, ज्यादातर काम मैं आंखें बंद करके ही करूंगी। जैसे कि मातृशक्ति के रूप में महिला कलाकारों में उत्साह देखा जा रहा है, इस महाभारत को आयोजित करने वाले, इसकी नींव रखने वाले मुखिया गुज्जर जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रूपरेखा बनाई गई है और क्या क्या कार्यक्रम है। मुखिया जी किस तरीके से इसकी रूपरेखा? देखो रूपरेखा ये है कि वहाँ 45x100 फुट का मंच बनेगा, जिसमें LED लगेंगे, जिसमें पूरा सेट लगेगा भारत के महल का, और TV पर लाइव टेलीकास्ट होगा ये। और तो किस तरह की तैयारियां अभी तक शुरू की गई है? तैयारी सब अपने अपने फील्ड, सबने जिम्मेदारी लगा ली है। मंचन के अध्यक्ष कुलविंदर सिंह जी हैं, और मैं तो उसका प्रोड्यूसर हूँ, निर्माता हूँ, और उस तरीके से अब बाकी ये सब आर्टिस्ट हैं। ये हमारे ओडी राजपूत साहब है, राजीव सक्सेना जी, हमारे प्रशांत जी जो फिल्मों में काम करते हैं, इनको हमने युधिष्ठिर हैं हमारे इसके महाभारत के, तो इस तरीके से बस तैयारी चल रही है जोरदार, अब रिहर्सल शुरू है बस पहली तरीके से। जनता को कब ये नाट्य मंचन देखने को मिले? 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक इसका मंचन होगा, यानी कि पहले नवरात्र से, यानी कि 9 दिन तक का इसे चलेगा, और हर वर्ष ये चैत्र नवरात्रों में महाभारत और दशहरा वाले नवरात्रों में रामलीला। जैसे कि आयोजक मुखिया गुज्जर एवं सभी अन्य सदस्यों ने भी बताया कि रामलीला की तट पर ही महाभारत का भी आयोजन किया जाएगा जो कि 13 अप्रैल से शुरू हो, ऐसे में अब महाभारत को भी आप जमीनी स्तर पर हस्तिनापुर में देख सकते हैं। कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी TV मेरठ।